स्माइल विद भानवी में आप सभी का स्वागत है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी एसेंशियल थिंग दैट रिलेशनशिप्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, हेल्थ, माइंड, बॉडी एंड सो ऑन। सो it is very necessary that we should learn to preserve them. So in this video I'm going to talk that how can we keep our relationships very happy and healthy. So here we go. So couple goals are really very important for our family, for values, for culture, for ethics, right? So कई बार क्या होता है, सामने वाला कोई बात कहना चाह रहा होता है और हम उसे समझा रहे होते हैं, बट सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। आपके साथ भी होता होगा ऐसा, हम कुछ और किसी और ढंग से समझाना चाह रहे होते हैं बट वो नहीं समझ रहे होते जैसे हम चाह रहे होते हैं, एंड सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। तब क्या किया जाए? पॉइंट, तब क्या किया जाए? एडजस्टमेंट। वेल, अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट हम कब तक करें और कहाँ तक करें। और वंस अगर हमने एक बार चीज़ों को एडजस्ट करना शुरू कर दिया तो सारी दुनिया हमें एडजस्ट ही नहीं कराती फिरती। तो एडजस्ट करने से एक्सपेक्टेशन सामने वाले की बढ़ती हैं या घटती हैं? नेचुरली बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबके सामने एक इमेज बन जाती है, वाह कितनी अच्छी है, तो एडजस्ट कर लेती है सब चीज़ को, है ना। तो और अगर हमें एडजस्ट हम करते गए चीज़ों के साथ तो कहीं ना कहीं जाके फंसती हैं चीज़ें। वो ऐसे, क्योंकि जब हम एक रस्सी है, अगर उसको हम खींचते ही जाएंगे तो उसके खींचने की भी एक लिमिट है, और जब वो लिमिट अगर ख़त्म हो जाती है तो वो टूट जाती है। सेम गोज़ विद एडजस्टमेंट। तो अब क्या करना चाहिए? अगर हमने अपने रिलेशनशिप में प्रायोरिटी सेट की हैं तो 1, 2, 3 हमें ये प्रायोरिटी सेट करनी है, कौन से रिलेशनशिप की प्रायोरिटी किस नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कई बार ऐसा नहीं होता कि कपल्स में फाइट हो रही होती है किसी दूर के रिश्तेदार की वजह से? अरे तो उनका तो काम ही है ना, वो तो लोग तो मज़े ही लेने आए होते हैं, पर अब ये तो हमें देखना है हमें फ़ाइट करनी है या नहीं। पर वंस वी गेट स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स ना, तो हमारे माइंड में क्लियर होता है कि पता लगा वो फ़ाइट जो है वो 100वें नंबर के रिश्तेदार की वजह से हो रही है, तो हम क्लियर हो जाते हैं कि इट्स नॉट फ्रूटफुल। तो अगर हम प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमें पता होता है कि रिलेशनशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स गेट वेरी सिंपल। तो वंस वी आर डन विद द प्रायोरिटाइजेशन, अब हमें क्या देखना है कि जो इंसान पहले नंबर पर है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? अब उस इंसान के साथ मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगी एट एनी सर्कमस्टेंसेस। उसको लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए कुछ एक चीज़ें हैं जिस पे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, राइट? ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे एडजस्ट करना शुरू किया तो क्या होगा? तो एडजस्टमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं बचेगी, कहाँ तक करोगे और कब तक करोगे। और अगर करना शुरू कर दिए तो क्या होगा? सामने वाला तो आपसे कहेगा एडजस्ट करो। अरे तो बैठे बिठाए खुद ही कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी है अपने पैरों पे, ऑब्वियसली वी कांट एडजस्ट। तो वंस वी गेट प्रायोरिटाइज कि यस ये चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट जो इस रिलेशन को आगे एंड टर्म मतलब लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए, एंड तक ले जाने के लिए चाहिए। अब हमने प्रायोरिटाइज़ कर दिया नंबर 1 पे कि ये चीज़ नंबर 1 पे है, इस रिलेशनशिप को एंड तक ले जाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10 लाइक दिस। अब हमें ये देखना है कि क्या हम किसी कोई 10वें नंबर की वजह तो नहीं है जिसकी वजह से हम फाइट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने प्रायोरिटाइज़ कर लिया तो हमने कह दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस और दिस और दिस, से ट्रस्ट। नंबर 2, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन बदतमीज़ी से बात करना, रिस्पेक्ट। नंबर 3, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई रीसेंट 10th नंबर का तो नहीं है जिसकी वजह से हम फाइट कर रहे हैं। तो वो हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि ये रीज़न इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फाइट अपने आप कंट्रोल हो सकती है। और अगर वो रीज़न नंबर 1 है तब क्या करें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, भाई नंबर 1 तो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रखा है कि इस लेवल पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर वो रीज़न नंबर 1 है तो तब तो फ्रेंड्स लड़ना ही पड़ेगा, तो लड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए। पर लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करें, उल्टा सीधा बोलें, तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए नंबर 2 पे हमने रखा ट्रस्ट को और नंबर 3 पे हमने रखा रिस्पेक्ट। इम्पॉर्टेंट है, येस, वेरी इम्पॉर्टेंट, पर ट्रस्ट के जितनी तो नहीं है। ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब हमें ये पता है कि ये रिस्पेक्ट से बात करने वाली जो बात है 3रे नंबर की है, तो इसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई 2 पर्सन रिलेशनशिप्स में आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और वो हम सभी जानते हैं कि वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो लड़ाई तो होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, एक्सट्रीम्स पे भी हो जाती है। ज़्यादा दिल पे मत लेना दोस्तों, ज़्यादा सेंटी नहीं होने का। ठीक है, गुस्सा आ गया, उसने भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, बात ख़त्म, चल। हो जाता है ना ऐसा। तो प्रायोरिटाइज से ऐसे हमें हेल्प मिलती है। हमें ये देखना होता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो 3रे नंबर का रीज़न है उसकी वजह से क्या हम अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमें खुद ही समझ में आ जाती हैं चीज़ें कई बार। वंस वी आर क्लियर कि यस ये चीज़ें हैं जो हमें चाहिए और सामने वाले ने ये 3 चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा है। ठीक है, कई बार छोटी छोटी बातों पे ही फाइट कर रहे होते हैं। अक्सर होता है क्या टॉपिक होता है फाइट का? आई टेल यू वन वेरी कॉमन थिंग, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे टाइम नहीं देते। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। कहने को बहुत छोटी सी बात होती है पर इसी बात पे कितने बड़े बड़े पूरे दिन तक मुँह फूला रहता है। प्यार ही नहीं करते, टाइम ही नहीं देते। और ऐसा लगता है ना, तो क्यों लगता है? आपने प्रायोरिटी सेट की है या नहीं? अगर प्रायोरिटी सेट करके रखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। माइंड में इतनी क्लैरिटी होती है कि किस बात पे अपने आप ही पता लग जाता है फाइट करने की ज़रूरत है या किस बात पे नहीं है। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमें ये हो कि जो हमारी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारे पार्टनर ने अच्छे से मैनेज कर ली, ठीक है, और बाकी में 0, भाई अब क्या करें? अब भी पॉइंट है, अब क्या करें? एडजस्ट, इसकी ज़रूरत अभी भी नहीं है शायद, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेशन को आगे तक ले जाने के लिए वो हमारे पार्टनर ने अच्छे से मैनेज कर दी। वो सारी क्वालिटीज़ उसमें हैं, बाकियों को चेंज किया जा सकता है ना? मैं बताती हूँ, कई बार क्या होता है हम ये अजम्पशन ले लेते हैं सामने वाले की कि वो समझ जाएगा, कुछ चीज़ें उसको सेल्फ अंडरस्टूड हैं। ये फंडा बहुत अजीब सा है दोस्तों, ये ऐसे नहीं होता। सामने वाला नहीं समझ रहा है, आप समझाओ ना उसको, कहो ना आप उससे कि मरते दम तक हम साथ रहेंगे, हक करो ना डेली उसको। हाथ पकड़ के कहो ना, कुछ भी हो जाए हम साथ हैं। कहो ना कि येस आई एम देयर फॉर यू। एंड देखिए चीज़ें कैसे चेंज हो जाती हैं। येस इट्स लाइक दिस, इट्स सो सिंपल। अब आप खुद सोचोगे एडजस्ट करना ज़्यादा आसान है या चीज़ों को ऐसे हैंडल करना। कई बार फाइट्स में हम ये सब ध्यान ही नहीं देते, हम कुछ भी बोले जाते हैं। कुछ चीज़ों पे एडजस्टमेंट नहीं करनी होती है और कुछ चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। तो एडजस्टमेंट है ही का वो क्या है कि अभी बहुत कुछ है आगे बोलने को। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस रिलेशन को हैप्पी एंडस मतलब हैप्पी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी एक है जो मुझे आपको बतानी है, बट वो हम अब पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। राइट, आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, होपफुली विदिन 4-5 डेज़। तो तब तक के लिए जाइएगा नहीं। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग स्माइल विद भानवी।